बाबा साहब दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके घर में खाने को भी नहीं था, 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। बहुत ज्यादा गरीब थे। क्लास में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बिठा दिया जाता था। उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी की, कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उसके बाद 1913 में उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, वहां से उन्होंने PhD करी। फिर उन्होंने दूसरी PhD के लिए अप्लाई करा, कहां करा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया, बहुत ज्यादा। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि टाइम के पहले हम लोगों को छोड़ के चले गए। अगर 10 साल और रह जाते, वो 15 साल और रह जाते, मैं समझता हूं कि अपने जीते जी वो देश के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर जाते। आज 75 साल हो गए देश को, 75 साल में इन सारे लोगों ने मिलके देश के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आज भी आप देख लो, इन सारी पार्टियों ने हमारा सारा एजेंडा चोरी कर लिया। सबसे पहले तो हम ही थे, हम जाके कहते थे केजरीवाल की गारंटी, कहते थे कि नहीं कहते थे। अब ये वाले भी कह रहे हैं गारंटी, वो वाले भी कह रहे हैं गारंटी। शिक्षा की बात आज भी कोई नहीं कर रहा। शिक्षा की गारंटी केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। क्यों? हम बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हैं। कितने किस्म किस्म के संघर्ष किए उन्होंने, राजनीतिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हर स्तर पे उन्होंने संघर्ष किया। जीवन ही संघर्ष है। जिस दिन जीवन में हमने समझौते कर लिए और हम कमजोर पड़ गए, उस दिन जिंदगी खत्म है तुम्हारी। आज MLA हो, कल MLA भी नहीं बचोगे। यही तो समझौता नहीं करना, आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और संघर्ष में ही खुशी ढूंढनी है, उसी में खुशी आने लगेगी जिस दिन संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना।